बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्लॉट मेट के बारे में पढ़ेंगे। स्लॉट मेट आपके सिलेंड्रिकल फेसेस, एक्सिस और स्लॉट को स्लॉट के साथ मेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो इन दिस केस मैं यहाँ पे इस बॉल के फेस को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और जो मेरा स्लॉट का इनर साइड फेस है इस पर क्लिक करने के बाद, लाइक यू कैन से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की रिलीज करूँगा तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी मिनी, और यहाँ से मैं इस स्लॉट मेट पे क्लिक करूँगा। मेरा बॉल जो है इस स्लॉट के साथ अलाइन हो चुका है। मोर ओवर आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर इन स्लॉट सेलेक्ट करके इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो बॉल है ये बिल्कुल इसके सेंटर में मेट जो है उसका स्लॉट के साथ क्रिएट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक और फाइल जो है वो ओपन की है असेंबली इन्वायरमेंट में, और यहाँ पे मेरे पास देखें एक्सिस को मैंने मेट किया हुआ है अपने स्लॉट में, वाशर के फेस को स्लॉट के साथ मेट किया हुआ है और बॉल को अगेन। सो मैं सबसे पहले इन स्लॉट मेट्स को यहाँ से सप्रेस कर लेता हूँ और मैं अपने पार्ट्स को मूव कर लेता हूँ लाइक दिस। अब अगेन मेट की टाइप पे जाएंगे और यहाँ से मैं टेम्परेरी एक्सिस जो है वो शो कर लेता हूँ, और इधर मैकेनिकल मेट में से मुझे स्लॉट मेट रिक्वायर्ड है और मैं इस एज को सेलेक्ट करूँगा और अपने इस फेस को सेलेक्ट करूँगा। तो यू कैन सी कि मेरा जो एक्सिस है वो इस स्लॉट के साथ मेट हो चुका है। मोर ओवर यहाँ पे आप डिफरेंट कंस्ट्रेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया सेंटर इन स्लॉट। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे फ्री कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर दूँगा। देन यू कैन सी कि यहाँ पे मेरी जो स्लॉट है वो इस सेंट्रल एक्सिस के साथ यहाँ पे आपका मेट जो है वो डिफाइन हो चुका है। ओके, दिस टाइम मैं इस वाशर के फेस को सिलेक्ट करूँगा और इस स्लॉट को सिलेक्ट करूँगा और स्लॉट मेट अप्लाई कर दूँगा। बट दिस टाइम मैं फ्री डिस्टेंस लाइक फ्री कंस्ट्रेंट को यूज़ करने के बजाय मैं डिस्टेंस लॉन्ग स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है आप इस एरो के थ्रू भी मूव कर सकते हैं लाइक दिस, और आप यहां से इन बटन्स के साथ भी कर सकते हैं मूव। लेट्स से मैं इसको 30 मिलीमीटर पे सेट कर देता हूं, आप इसकी डायरेक्शन को फ्लिप भी कर सकते हैं। 30 इज एक्चुअली इन सेंटर, सो लेट्स चेंज इट्स टू 20 मिलीमीटर, और आप इसकी डायरेक्शन जो है डायमेंशन की वैल्यू को बॉटम से भी ले सकते हैं और अपर से भी ले सकते हैं। सो लेट्स अनचेक दिस फ्लिप डायमेंशन चेकबॉक्स और ओके पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए मेरा यहाँ पे वाशर जो है इस स्लॉट के साथ मेट हो चुकी है। मोर ओवर मैं अब इस बोल्ट को भी इसके साथ स्लॉट का मेट असाइन करता हूँ, तो इस पर्पस के लिए मैं यहाँ पे अगेन एक्सिस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे पर्सन अलोन स्लॉट सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे मैं 10% अलाइन कर देता हूँ, और दिस टाइम मैं फ्लिप डायमेंशन यूज़ कर लेता हूँ और इसे ओके कर दूंगा, और यहाँ से टेम्परेरी एक्सिस जो है इनको हाइड कर लेते हैं। सो यू कैन सी कि स्लॉट मेट की मदद से आप डिफरेंट सिलेंड्रिकल एक्सिस और इवन स्लॉट को स्लॉट के साथ आप मेट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसी स्लॉट की एक और कॉपी क्रिएट करता हूँ, और दिस टाइम मैं इस स्लॉट को इस स्लॉट के साथ मेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं मेट पे क्लिक करूँगा और मेट के फेस को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मुझे मैकेनिकल मेट में से स्लॉट मेट सेलेक्ट करना है और इसे ओके कर लेता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी स्लॉट मेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, बट मैं यहाँ पे पहले एक और मेट अप्लाई करता हूँ सो डैट इन दोनों फेसेस के साथ मेरे पास यहाँ पे पैरेलल मेट जो है वो अप्लाई हो जाए, और इस फेस को इस फेस के साथ भी पैरेलल कर देते हैं। एंड नाउ ये स्लॉट मेट मेरा इस स्लॉट मेट के साथ ऐड हो चुका है। फर्दर भी आप इसकी मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।